खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से है। धनंजय उनकी पत्नी हवाई जहाज से जाएंगे ग्वालियर से झारखंड। स्कूटर से किया था 1200 किलोमीटर का सफर। झारखंड के गोड्डा से अपनी गर्भवती पत्नी को स्कूटर पर बिठाकर 1200 किलोमीटर का सफर तय कर परीक्षा दिलाने ग्वालियर आए धनंजय कुमार और उनकी पत्नी अब हवाई जहाज से घर जाएंगे। उनके लिए हवाई यात्रा का इंतजाम अडानी फाउंडेशन ने किया है। धनंजय ने बताया कि अडानी ग्रुप के फाउंडेशन की ओर से हमें ग्वालियर से रांची की हवाई यात्रा का टिकट मिल गया है। यह टिकट 16 सितंबर का है। ग्वालियर से रांची के लिए सीधी उड़ान नहीं है, इसलिए हम दोनों हैदराबाद होकर रांची पहुंचेंगे। इसके बाद रांची से सड़क मार्ग से गोड्डा जाएंगे। इसका इंतजाम गोड्डा का जिलाधिकारी ने किया है। देवडार थाना प्रभारी समेत एम्बुलेंस के 2 ड्राइवर हुए संक्रमित। जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को जिले के अलग अलग स्थानों में शिविर लगाकर कोरोना जांच की गई। ट्रूनेट और एंटीजन रैपिड टेस्ट से कुल 184 सैंपल की जांच की गई। उसमें जांच के दौरान जिले भर में 5 लोग संक्रमित पाए गए। संक्रमितों को देवडार थाना प्रभारी सहित पथरगामा और पोड़ियाहाट सामुदायिक अस्पताल के एम्बुलेंस ड्राइवर शामिल है। वहीं पोड़ियाहाट के पुलिस इंस्पेक्टर के चालक भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से पोड़ियाहाट सामुदायिक अस्पताल, थाना सब पुलिस अंचल कार्यालय और देवदार थाना को सील किया जा रहा है। संक्रमितों को मर्सी हॉस्पिटल पोड़ियाहाट और कोविड केयर सेंटर सिकटिया में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि गोड्डा में बीते शनिवार को सुबह एक इलाज संक्रमित महिला की मौत हो गई थी। PLB को मिली उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विविध सेवा प्राधिकार सत्य प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर जिला विविध सेवा प्राधिकार गोड्डा ने गूगल मीट पर गोड्डा, जामताड़ा और पलामू के पारा लीगल वॉलंटियर का ऑनलाइन ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजेश रंजन कुमार ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 पर विस्तृत प्रकाश डाला। कहा कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून 1988/6 से अधिक प्रभावी है। इससे उपभोक्ताओं को अधिकारों की रक्षा करने सहित त्वरित न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। 18 करोड़ खर्च के बाद में मेहरमा नहीं पहुंचा गंगाजल। खबर गोड्डा के मेहरमा से है। बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना में करीब 18 करोड़ रुपए खर्च के बावजूद भी अब तक एक भी बूंद गंगाजल मेहरमा प्रखंड नहीं पहुंच पाया है। इस कारण किसानों की उम्मीद भी अब टूटने लगी है। हालांकि जहां तहां कार्य अभी जारी है। बताया जाता है कि वर्ष 1977 में एकीकृत बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद, जो मेहरमा प्रखंड के कसवा गांव के रहने वाले थे, ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की थी। उनके द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना आयोग से इसे स्वीकृत प्रदान की गई है। बेसुध पड़ा रहा मासूम, नहीं पहुंचे चिकित्सक। सदर अस्पताल के पुरुष वार्ड में नगर थाना के बेलडिया गांव निवासी 6 वर्षीय अमित टुडू व TD वार्ड के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के कुसुम घाटी गांव निवासी 7 वर्षीय महेंद्र पहाड़िया शनिवार की सुबह से शाम तक अचेत अवस्था में पड़ा रहा, लेकिन चिकित्सक देखने नहीं पहुँचे। ज्ञात हो कि इस अस्पताल में जिले के दूर दराज ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र उपचार के लिए सदर अस्पताल आते हैं। शनिवार को बच्चों के परिजन परेशान रहे। जब ऑन ड्यूटी चिकित्सक को समस्या बताई गई तो उन्होंने उन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाने की नसीहत दे डाली। परिजनों ने डॉक्टर जुनेद का मोबाइल नंबर उपलब्ध करा ऑन ड्यूटी नर्स से बात कराई। इस पर डॉक्टर जुनेद ने कोविड केयर केंद्र सिकटिया में ड्यूटी होने का हवाला देते हुए डॉक्टर नवेद से बात करने की सलाह दी। डॉक्टर नवेद से बात करने पर उन्होंने प्रबंधन से बात करने को कहा। इस प्रकार बच्चा घंटों अस्पताल में बेसुध पड़ा रहा और मरीज के परिजन स्वास्थ्य कर्मियों के पास गुहार लगा रहे थे, लेकिन शाम तक बच्चों की स्वास्थ्य जांच नहीं हो पाई। चर्चित सदर अस्पताल में पार्किंग बनी फजीहत। गोड्डा बीते वर्ष कायाकल्प पुरस्कार से नवाजे गए सदर अस्पताल इन दिनों मौलिक सुविधाओं के लिए तरस रहा है। कुछ महीने पूर्व जब जिले की तत्कालीन DC किरण कुमार पासी ने अपना प्रसव कराकर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था, देश भर में अस्पताल सुर्खियों में था। इससे सरकारी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा फिर से कायम हुआ था। वहीं इन दिनों भी अस्पताल में चर्चा में है, लेकिन इस बार अपनी उपलब्धियों के कारण नहीं बल्कि अपनी कमियों के कारण।
इस बार पार्किंग की लचर व्यवस्था से लोगों को फजीहत झेलना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमित वार्ड में खड़ी रहे वाहन अस्पताल परिसर में लोग जहां तहां वाहन पार्किंग कर रहे हैं। सदर अस्पताल परिसर में प्रवेश द्वार के रास्ते बाइक खड़ी करने से मरीज व उनके परिजनों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रबंधन की ओर से वाहन पड़ाव के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है। लोग अस्पताल परिसर में जहां तहां बाइक एम्बुलेंस व अन्य वाहन पार्क करा देते हैं। झारखंड में 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट, जाने अपने शहर का हाल। सोमवार को सुबह से ही तेज धूप खिली हुई है, मगर मौसम विभाग के अनुसार आज से 3 दिनों तक झारखंड के कई जिलों में वज्रपात की संभावना है। इसे देखते हुए देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खेत में काम कर रहे किसानों को वज्रपात की स्थिति में मौसम विभाग ने पेड़ और खंभों से दूर सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी है। साथ ही इन इलाकों में जो किसान और आम लोग एंड्रॉयड मोबाइल फोन चलाते हैं, उन्हें मौसम विभाग का दामिनी ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। इस ऐप के जरिए वज्रपात से पहले अलर्ट मोबाइल पर मिल जाता है, इससे जान और माल की हानि को बचाया जा सकता है। दुमका देवघर सड़क की अस्थायी मरम्मत शीघ्र, बसंत सोरेन। हाल में दुमका देवघर जामा के पास भीषण सड़क हादसा के बाद हेमंत सरकार के निर्देश दुमका जिला प्रशासन ने दुमका और बासुकीनाथ के बीच NH 114A के गड्ढों को भरवा कर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। झारखंड युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत सोरेन ने कहा कि अभी सड़क को गाड़ियों से चलने लायक बनाया जा रहा है, पर शीघ्र इस सड़क के अस्थायी मरम्मत का काम भी कराया जाएगा, इसकी पहल हो रही है। सर हमको भी मौका दीजिए, बड़ी दूर से आए हैं बाबा का दर्शन करने। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन के लिए ई पास की व्यवस्था लागू है। इसके तहत झारखंड के श्रद्धालुओं की भी सीमित संख्या में पूजा कराई जा रही है। आलम यह है कि हर दिन बाबा दरबार में हाजिरी लगाने की मंशा लिए बिहार के अलावा अन्य जिलों से भोलेनाथ की भक्त हर दिन देवघर पहुँच रहे हैं। रविवार को भी शिवगंगा सहित बाबा मंदिर के आसपास के इलाकों में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। तकरीबन 5 के आसपास ऐसे श्रद्धालु थे जो बिहार से आए थे, बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। शिवगंगा लेन होते लेते हुए बाबा मंदिर के सिंह द्वार तक पहुंचकर यह श्रद्धालु प्रवेश द्वार तैनात पुलिसकर्मियों से आरजू मिन्नत कर रहे थे कि सर बड़ी दूर से आए हैं, एक बार मौका दे दें, दर्शन करके निकल जाएंगे। 16 घंटे बाद गड़वा नदी से निकाला गया शव। खबर देवघर से है। शनिवार शाम से लपता नगर थाना क्षेत्र के जून पोखर निवासी 15 वर्षीय समीर सिद्दीकी का शव रविवार सुबह डड़वा नदी पर बने चेक डैम से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मिला। शव को निकालने में NDRF की टीम को 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। घटना को लेकर मृतक के पिता मसरूअल्लाह सिद्दीकी ने बताया का आरोप लगाते हुए नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उसमें मृतक के दोस्तों पर ही आरोप लगाया है। अभियंता के साथ मारपीट करने वाले न्यायिक हिरासत में। खबर देवघर के जसीडी से है। जसीडी थाना क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी के समीप विद्युत अभियंता व कर्मियों के साथ हुई मारपीट की घटना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष भेज दिया गया है। स्वास्थ्य जीवन का आधार, खेल कूद व नियमित व्यायाम। देवघर के कैरो प्रखंड क्षेत्र के रानीडी मैदान में रविवार को नेहरू युवा केंद्र की तरफ से फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वॉलीबॉल, फुटबॉल, दौड़, व्यायाम, योगाभ्यास, साइकिलिंग का आयोजन किया गया। जिला युवा समन्वय अभिषेक मंडल ने कहा कि स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा आधार नियमित व्यायाम एवं खेल है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को फिट रहने के लिए नियमित व्यायाम एवं अपने फिटनेस पर ध्यान केंद्रित कराना है। सभी लोग स्वस्थ रहें व हमें एक निरोगी काया भी मिले, इस प्रकार एक स्वस्थ भारत की परिकल्पना को सार्थक किया जा सकता है। खबर है साहेबगंज से। 5वीं अनुसूची को सशक्त बनाने पर चर्चा। रविवार को पटना के प्रोफेसर विश्वनाथ हांसदा के फार्म हाउस पर आदिवासी संगठनों की बैठक आदिवासी जगवार वैसी के प्रखंड अध्यक्ष संतू किस्कू ने की। इसमें SPT एक्ट 1949 का पालन करने एवं
मांझी परगना व्यवस्था को सशक्त करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में संथाल परगना के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत राजस्व गांव में योजना स्थल की अनुमति प्रधान से लेने एवं खाजना रसीद प्रधानों के द्वारा देने की मांग की गई। खबर है पाकुड़ से, राज्यपाल व सीएम को बताएंगे पाकुड़ की समस्या। राज्यपाल व मुख्यमंत्री से मिलने रविवार को झारखंड मानवाधिकार जन जागृति कल्याण परिषद के कार्यकर्ता रांची रवाना हुए। परिषद के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना हेमरम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पाकुड़िया स्थित सिद्धू कानू को नमन करने के बाद सड़क मार्ग से रवाना हो गए। मुन्ना ने बताया कि राज्यपाल व मुख्यमंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक से भी मुलाकात की जाएगी। सभी को पाकुड़ जिले से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।